फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्लेस ऑफ लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में वेरिएबल और डेटा टाइप दो टॉपिक कवर किए थे। आज की वीडियो में हम छोटा सा टॉपिक देखेंगे, यूनिकोड। यूनिक कोड क्या है? ठीक है, वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर लर्निंग ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। अब क्या होता है, दो तरह की होती है, इनकोडिंग और डीकोडिंग। इनकोडिंग क्या है, 0 1 1 1 0, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसको हमने डिकोड किया अपनी लैंग्वेज में। ये क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये क्या हो गई एनकोडिंग, ये हो गई मशीन कोड। डिकोडिंग क्या हो गई, ये हो गई हमारी लैंग्वेज जावा पाइथन। ठीक है, अब क्या है यूनिकोड में क्या होता है, जैसे हमने अपने कीबोर्ड में जे दबाया। ठीक है, अब ये जे दबाने के बाद लैपटॉप को कैसे पता पड़ा कि आपने जे दबाया है, उसने आपको कंप्यूटर पे जे लिख कर दिखा दिया। उसको तो आपकी नहीं पता पड़ रहा कि आपने अल्फाबेट जे दबाया है, नहीं ना। तो उसके लिए क्या है, एक कोड सिस्टम चलता है कि आप कीबोर्ड के जो जितने भी कीज हैं इनके लिए अस्थाई वैल्यू चलती है। अस्थाई वैल्यू क्या होती है, इनके पर्टिकुलर लेटर, लाइक वन के लिए एक एक्साई वैल्यू होगी लाइक 74, जे के लिए यहाँ पे देखो 74 है। ठीक है, और ए के लिए 65 है, बी के लिए 86 है, ए के लिए 65 है। जैसे ही आप जे दबाएंगे तो लैपटॉप को जे नहीं समझ में आएगा, वो एक्साई वैल्यू में कन्वर्ट, उसको यूनिकोड में कन्वर्ट करेगा और वो 74 देखेगा। ठीक है, उसने देखा 74 है, ठीक है जे प्रिंट कर दो, जे प्रिंट कर देगा। फिर आपने ए को प्रेस किया तो वो क्या देखेगा, अच्छा इसने ए 65, उसके पास ए नहीं जाएगा, उसके पास यूनिकोड जाएगा उसका ए का 65। ठीक है, ए को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे क्या है कि यूनिकोड, क्योंकि उसको तो लेटर्स ए बी सी डी नहीं आते समझ में, उसको समझ में आते हैं 0 और 1। ठीक है, अब ये यूनिकोड जो होंगे ये फर्दर कन्वर्ट होंगे किसमें, मशीन कोड में, क्योंकि ये तो 74 है, ये भी नहीं आएगा उसको समझ में। उसको क्या समझ में आएगा, 1001, ये यूनिकोड, ये मशीन कोड में कन्वर्ट होंगे, तब वो लैपटॉप को या कंप्यूटर को समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है इसने ये वैल्यू मांगी है। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, नल के लिए क्या है 32 है, और यहाँ पे देखते हैं हाँ स्पेस के लिए 64। आप लाइक आपने स्पेस प्रेस किया नाम लिखते हुए अपना, तो स्पेस के लिए कोड क्या है 64 है, एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए 65, हैश के लिए 67, एंड डॉलर के लिए है 68, एंड के लिए है 70। ये सब क्या है, ये सारे जो लेटर्स हैं ये हमारे कीबोर्ड पे मौजूद हैं। अब ये इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि कन्वर्ट होती है कन्वर्टर के द्वारा, और फिर वो लैपटॉप के समझ में आती है, समझने के बाद वो हमें दिखाता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्साई वैल्यू। अब क्या है, हर एक कंट्री ने अपने अलग अलग बना रखे हैं कि अमेरिका का एक्साई है, यूरोप का अलग है, रशिया का अलग है। तो ये क्या है, एक यूनिफाइड नहीं था। लाइक आप अगर आपने जावा में कोड किया है और उसने एक एक ही जो कोड है वो 97 है एक्साई में, बट अगर आप यूरोप में वही लैपटॉप यूज करेंगे और उसका एक्साई वैल्यू ये नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्साई वैल्यू नहीं चल रही, वहाँ पे यूरोप का यूनिकोड सिस्टम चल रहा होगा। तो इसको यूनिफाई करने के लिए कि यहाँ वहाँ की कोड नहीं चल पा रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसको यूनिफाई करने के लिए क्या है, एक यूनिकोड सिस्टम बना दिया जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरीफाई होगा। उसी को यूज करेंगे जैसे उसी को यूज करेंगे वो एक वन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें डिफाइन होगा कि ठीक है अगर ए दबा रहे हैं तो ये ही होगा हर एक कंट्री में, यूनिफाई कर दिया उसको। ठीक है, तो ये होगा यूनिकोड और एक्साई वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ये कि हम अपने व्हाट्सएप में यूज करते हैं ये इमोजीज के भी खुद में ये कोड है। लाइक अगर मैंने ये स्माइली भेजी तो इसको स्माइली नहीं आएगी समझ में, उसका एक यूनिक कोड होगा जो कि उसमें सेव होगा, वो जाएगा उसके ऑपरेटर के पास और वो उसको देखेगा ठीक है ये कोड आया है इसके लिए ये इमोजी है ये इसको भेज दो। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा यूनिक कोड।
क्या होता है, यूनिकोड सिंपली एक कोड है फॉर अ कंप्यूटर कि आप जो भी की दबा रहे हैं वो उसको समझ में आए कि आपने कौन सा की दबाया है। इसलिए उसके लिए हमने एक कोड बना दिया है कि आप अगर हिंदी में भी अगर टाइप कर रहे हैं, लाइक आपने छोटा आ लिखा या किसी ने मराठी में लिखा, किसी ने किसी लैंग्वेज में लिखा, तो लैपटॉप को तो समझ में आना चाहिए ना, तभी उससे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उसके लिए यूनिक कोड सिस्टम बना दिया जिसमें बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज को ऐड करते जा रहे हैं और उनके कोड बनाते जा रहे हैं, जिससे हमारे लिए भी आसानी हो रही है। किसी भी जगह कहीं भी वही एक सेम वैल्यू है, हमें भी बार बार कोड को XI या फिर किसी और अलग कंट्री के हिसाब से चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि यूनिकोड सिस्टम क्या है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।